सो हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था अपना ये एंटी स्पोर्ट्स का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, जिसका मॉडल था MK3000 एंड इसकी कॉस्ट थी अराउंड 2200 ऑन अमेजोन, और मेरे को ये 2100 का मिला है लोकल पीसी स्टोर से। तो गाइस, इसी के साथ मैंने परचेज किया एक गेमिंग हेडसेट जो जो कि है एंड ई स्पोर्ट्स का H500 गेमिंग हेडसेट। एंड गाइस, जिसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल थे, एक रेड एक ब्लू, एंड मैंने रेड वाला वहाँ पे टेस्ट किया अपने फ़ोन के साथ, एंड ब्लू वाला बेसिकली परचेज कर लिया, तो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है। सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइज, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। अब पहले मैं गाइज आपको दिखा दूंगा बॉक्स के पीछे, यहाँ पे दिया हुआ है इसका मॉडल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, मंथ ऑफ इम्पोर्ट, MRP देखिए आप यहाँ पे 3500 दिया है। डोंट लेट इट स्केयर यू, ये तो गाइस जो भी MRP एम के इनके एंटी स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स के पीछे दिया, दैट इज टोटली एब्सर्ड। उससे तो काफ़ी डिफरेंस है इनके ओरिजिनल प्राइस में, जैसे कि ये कीबोर्ड का भी अराउंड 3500 दिया था एंड 2100 का मिला। तो गाइस, ये हेडफोन मुझे मिला 1500 रुपीज़ में, 1500 के हेडफोन है गाइस। मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं हेडफोन्स, बिकॉज ये ओवर द ईयर हैं, तो आपके ईयर्स में कोई पेन वगैरह नहीं होगी, ईयर्स को टोटली कवर करते हैं ये। गाइस, मैं इसको कर रहा हूँ अनबॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास है यहाँ पे ब्लू वेरिएंट। लेट मी पुट दिस बॉक्स एसाइड। ओके, सो लेट मी गेट दिस आउट ऑफ दिस पॉलिथीन रैप। सो ये हैं गाइस हमारे हेडफोन्स, आप देख सकते हैं ब्लू कलर की कोड है इसके साथ। एंड गाइस, यहाँ पे कोड के साथ यहाँ टू इंटरफेस है, एक 3.5 mm इंटरनेशनल जो जैक होता है वो इंटरफेस है, एंड ये USB है गाइस, ये USB है बेसिकली। ये मैंने अभी डिस्कवर किया क्योंकि वहाँ पे मैंने फ़ोन के साथ टेस्ट किया तो मुझे पता नहीं था। एक्चुअली दीज हेडफोन्स हैव LED, ब्लू कलर की LED है इस वाले हेडफोन में, माइक में भी है, एंड जो दूसरा वेरिएंट था उसमें रेड कलर की। तो USB है LED को पावर देने के लिए। एंड अभी तक मेरे पास जितने भी हेडफोन थे गेमिंग हेडफोन, तो कोई नहीं था। जेब्रोनिक्स के एक मैंने यूज़ किए थे, वो भी 500 रुपीज़ के थे। तो मोस्टली सब में माइक के लिए एक अलग इनपुट होती थी, इंटरफेस होती थी, एंड ये स्पीक हेडफोन्स के लिए अलग। तो इसमें आपका एक ही जैक से काम हो जाएगा हेडफोन्स। एंड गाइज, ये दिखा दूँ मैं आपको, ये है कंट्रोलर, यहाँ पे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले बटन से, एंड यहाँ पे है आप माइक को म्यूट कर सकते हैं इधर को स्विच करके, एंड यहाँ से आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रांडिंग की है, मॉडल नंबर दिया गया है, एंड कोड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, खींचने से आपका जल्दी से ये ऐसे टूटने वाला नहीं है। तो 1500 रुपीज़ में गाइस बहुत ही अच्छे हेडफोन्स हैं, डिसेंट हैं, इससे अच्छे ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। बट मेरे को कीबोर्ड इतना पसंद आया तो मैंने एंटी स्पोर्ट्स की परचेज कर लिए। तो गाइज, ये देखिए आप यहाँ पे कितनी सॉफ्ट पैडिंग है, ये लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं और कंफर्टेबल भी बहुत है। ये वाली पैडिंग भी बहुत ही सॉफ्ट लेदर टाइप है ये। एंड मैंने ज़्यादा देर तक टेस्ट नहीं किए फ़ोन के साथ, मैंने रेड वाला वेरियंट टेस्ट किया था, तो मुझको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हुई। सो गाइज, अब मैं इसको, हाँ लेट्स टॉक अबाउट इट्स परफॉर्मेंस। तो गाइज, मैंने मनाली ट्रांस सॉन्ग प्ले किया था, एंड बॉस वॉज डिसेंट, साउंड क्वालिटी इज गुड। प्राइस को देखते हुए तो गाइज साउंड क्वालिटी वॉज प्रीटी गुड। तो गेम में अभी तक मैंने चेक नहीं किया, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ कि LED कैसे चलती है इसकी। मैं USB अपने CPU में यहाँ लगाता हूँ, सो लेट्स सी, यस दिस लुक्स कूल।
सो गाइस ये ब्लू कलर की एलईडी है, अगर आप इसका रेड वेरिएंट लेते हैं तो आपको उसमें रेड एलईडी मिलेगी। एंड केबल की लेंथ गाइस अभी मैंने अनस्ट्रेंगल नहीं किया, ये ऐसे अनटाई नहीं किया, तो बहुत ही लंबी है गाइस। आप कंफर्टेबली इसको, अगर आपका सीपीयू थोड़ा दूर प्लेस्ड है तो भी गाइस आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका बजट है अराउंड 1500 रुपीज़ एंड वॉन्ट अ गुड लुकिंग एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल हेडफोन, सो गाइस आई विल रिकमेंड दिस टू यू। आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, या आप अपने लोकल कंप्यूटर स्टोर पे जाइए कहीं पे शॉप पे, वहाँ पूछिए अगर वो एंटी स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अभी तो इनके कैबिनेट्स भी आ गए हैं, गेमिंग माउस भी अवेलेबल है। एंड ये देखिए गाइज, आप ये माउस पैड देखिए एंटी स्पोर्ट्स का ही है, ये भी मैंने इनके साथ ही परचेज किया। कितना लंबा ये माउस पैड है, बेसिकली ये मेरा कीबोर्ड एंड माउस दोनों कवर कर रहा है। सो ये मेरे को मिला है गाइस 700 रुपीज़ का, इसका मॉडल है MP300। ये भी आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली माउस पैड वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दी हेडफोन्स, मैं अब टेस्ट कर रहा हूँ इनको। आई विल प्ले पबजी, असैसिन क्रीड एंड टेकन 7 एटसेट्रा। एंड अगर आपका परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी या।